नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन को लेकर। फिलहाल जब आपको ये वीडियो मिल रहा है तो सूर्य देव जो है वो अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि में है। सूर्यदेव 15 तारीख को, 15 मई कहने का मतलब कल की तारीख को ये अपनी उच्च राशि से या फिर कहें मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि से वृषभ राशि में जाना किन किन राशियों के जातकों के लिए खुशखबरी देने वाला है या फिर किन किन राशि के जातकों के लिए सावधानी बरतने के संकेत लेकर के आया है, ओवरऑल इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, 15 मई से लेकर के 15 जून तक सूर्य देव जो हैं वो वृषभ राशि में रहेंगे, फिर 15 जून के बाद ये पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन इस एक महीने का जो राशिफल होगा वो आपकी अलग अलग राशियों पर, आपकी सारी राशियों पर क्या प्रभाव डालने वाला होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। आप सभी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि सूर्यदेव आपके लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, जो आपका सम्मान है, मान है, प्रतिष्ठा है, वृद्धि है, आपका प्रमोशन है, ये सारी चीजें जो हैं ये सूर्यदेव रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी सराहना, आपका फेम हर जगह फैलना, ये सब सूर्यदेव रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑब्वियसली आप ये चाहते हैं कि आपका तेज, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी कीर्ति, आपका गौरव हर जगह फैले। तो सूर्यदेव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं और इनका राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा हर बार ही महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह इस बार भी महत्वपूर्ण है। चलिए मेष राशि के जातकों से सबसे पहले शुरुआत करते हैं और चर्चा करते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए ये सूर्यदेव का राशि परिवर्तन क्या सौगात लेकर के आया है या फिर क्या सावधानी बरतने के संकेत लेकर के आया है। मेष राशि के जातकों के लिए एक अच्छी बात, एक खुशखबर यह है कि धन में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आप अपनी बुद्धि से अपने धन में वृद्धि कर लेंगे। कैसे? यदि आप व्यवसाय करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी बुद्धि से कहां पर इन्वेस्ट करना है, किस तरह से किससे कैसी बात करना है, किस तरह से कैसे ऑर्डर लेना है, अपना बहुत अच्छा बुद्धि, आप अपनी शार्प माइंड आप अपना लगाएंगे और आप अपनी बुद्धि से अपना धन अर्जित कर लेंगे, धन को बढ़ा लेंगे। साथ ही साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो बड़ी अच्छी तरह से डिप्लोमेटिक माइंड के साथ आप अपने बॉस के साथ या फिर अपने कर्म के साथ ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि आपके बॉस या फिर आपकी कंपनी या आपका ऑर्गेनाइजेशन खुश होकर के आपके धन में वृद्धि कर दे या फिर कहें इंक्रीमेंट कर दे। तो ऐसे योग बहुत अच्छे बनते हुए मुझे नजर आते हैं। लेकिन एक बात ये कहूंगा कि भाई देखिए, धन में वृद्धि है, आप जहां नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहां पर आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं वाणी पर संयम न बरतने की वजह से परिवार में मतभेद पैदा हो सकता है। वाणी पर संयम आप अपने बिजनेस पर तो बरतेंगे, बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार को नज़रअंदाज करने का प्रयास करेंगे जिसकी वजह से परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद की स्थितियां निर्मित हो सकती है। तो इसका आपको ध्यान स्पेशली रखना चाहिए, बाकी सब अच्छा है। वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, सुख में वृद्धि, सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधाएं जो होती है ना, उसमें वृद्धि होती हुई मुझे नजर आती है। जिम्मेदारियां आपकी यहाँ पर इस समय के लिए बढ़ेगी, इस महीने के लिए बढ़ेगी। जिम्मेदारी बढ़ने के का मतलब एक ये भी हो सकता है कि यदि आप विवाह के इच्छुक है तो विवाह तय हो जाए, यदि आप संतान प्राप्ति के लायक हैं, इच्छुक है, तो संतान प्राप्ति की कोई खुशखबर मिल जाए। इवन आप यदि नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाए, ऑब्वियसली इसमें भी जिम्मेदारी आपकी बढ़ रही है। तो जिम्मेदारियां बढ़ने के योग बनते हुए मुझे नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्रोध, गुस्सा, चीड़ या तनाव, ऐसी स्थितियों का निर्माण हो सकता है। मानसिक तौर पर आपको खुद का ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो फिजूल की भागदौड़ कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है और कार्य की अधिकता भी आपको परेशान कर सकती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भागदौड़ की वजह से आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, रिटर्न्स जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको ये लगेगा कि यार मिल रहा है मुझे 500 रुपये और मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ 700 रुपये की। तो ज़्यादा भागना दौड़ना या ज़्यादा कार्य की अधिकता आपको यहाँ पर महसूस हो सकती है, रिटर्न्स उसे कम मिलेंगे। अभी जस्ट इसके रुपए में ना लें, इसे आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि यार परिवार के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन उतना मुझे रिटर्न मिल नहीं पा रहा है, उसे थोड़ा सा कम रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है लेकिन कम मिल रहा है।
पढ़ाई में बहुत ज्यादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन उतना ज्यादा अच्छे से मुझे याद नहीं हो पा रहा है। बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूँ कर रही हूँ, लेकिन उसका रिटर्न उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है। रिटर्न मिलेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं, अधिकता आपको ज्यादा लगेगी। आपको ऐसा लगेगा मैं दे ज्यादा रहा हूँ या दे ज्यादा रही हूँ, मिल मुझे कम रहा है। लेकिन एक बात बता दूँ, मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मिलेगा नहीं। तो समय को मैं कहूँगा कि सामान्य है। कर्क राशि के जातकों की बात करें तो आपके भी धन में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, लाभ में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन वही बात मैं यहाँ पर दोहराऊंगा कि परिवार में कहीं ना कहीं कलह के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, परिवार में कहीं ना कहीं गुस्से की वजह से मतभेद के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो आप जहाँ कर्म करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, स्टूडेंट यदि आप हैं तो उस जगह तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत नाम कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं दिक्कत मुझे बनती हुई नजर आती है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी सब ठीक है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जातकों की बात करें तो सरकारी नौकरी लगने के, यदि आप लंबे समय से इच्छुक हैं तो सरकारी नौकरी लगने के योग भी हैं, इवन प्राइवेट नौकरी भी लगना चाहते हैं तो वैसे भी योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप सिविल जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे आपके लिए फायदा यहाँ पर दिखता है। आप यदि नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के योग बनते हुए मुझे नजर आते हैं, और व्यवसाय करते हैं तो प्रतिष्ठा में वृद्धि, और यदि स्टूडेंट है तो भी प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके लिए समय जो है बहुत अच्छा है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि के जातकों की बात करें तो देखिए स्थानांतरण के योग हैं। यदि आप लंबे समय से फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन बाहर जाने के, बाहर जाकर के बसने के, बाहर जाकर के काम करने के योग या काम करने का कोई रास्ता देख रहे थे, आपको लंबे समय से कोई ऐसे योग नहीं बन रहे थे, तो ये बहुत अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात ये भी होती है कि कई लोग स्थानांतरण नहीं भी चाहते हैं। जो नहीं चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी नहीं हो, ये स्वाभाविक है। खर्चा आपका यहाँ पर ज्यादा हो सकता है, खर्चे पर आपको ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज आगे चल के आपको दिक्कत पैदा हो सकती है। एक और बात कि किसी पर अंधविश्वास ना करें। अंधविश्वास ऑब्वियसली किसी पर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी समय ऐसा आता है कि जब आपको कुछ चीज़ें देना पड़ती है, चाहे अपने कागजात हो जरूरी, चाहे अपने पैसे हो या कुछ भी, तो अंधविश्वास ना करें। बहुत लॉजिक के साथ आपको इस समय किसी पर भी विश्वास करना चाहिए। तुला राशि के जातकों की बात करें तो आय को लेकर के कहीं ना कहीं चिंताएं बनी रहेंगी। आपको ये लगेगा कि यार मिल रहा है मुझे 500 रुपया, मेरा काम जो होने वाला है वो 600 या 700 रुपये का होने वाला है, कहाँ से पैसा आएगा। तो इस तरह की चिंताएं आपकी यहाँ पर इस समय के लिए बनी रहेगी, हालांकि आपका काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वाणी के प्रभाव में भी कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, हो सकता है आपकी बातों को विपरीत ढंग से ले लिया जाए, आप बोलना कुछ चाहें बोलें कुछ और आपकी बात को ले कुछ लिया जाए। तो आप जो भी बोलें, जो भी जताना चाहें, जो भी बताना चाहें, जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो बड़े ही सावधानी के साथ आपको करना चाहिए। यदि स्पेशली आपका इंटरव्यू इस समय है, ऑब्वियसली इंटरव्यू में आपको खुद की छवि बनाना पड़ती है, सामने वाले को इम्प्रेस करना पड़ता है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं तनाव हो सकता है, मतभेद की स्थितियां निर्मित हो सकती है। वैवाहिक जीवन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। बीच बीच में मतभेद मनभेद की स्थितियां, एक दूसरे से बात न करना, छोटी छोटी बातों में चिढ़ हो कर लेना, ऐसी स्थितियों का निर्माण यहाँ पर होगा। लेकिन यदि आप लंबे समय से नौकरी लगने के इच्छुक हैं तो नौकरी लगने के योग भी हैं, इवन सरकारी नौकरी लगने के भी योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिर बात वही घूम फिर करके आ गई कि पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है, लेकिन आर्थिक, शारीरिक, भौतिक दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के जातकों की बात करें तो कहीं ना कहीं शत्रु निर्माण यहाँ पर हो सकता है। हाँ, हिडन एनिमीज का निर्माण हो सकता है। अभी हिडन एनिमीज आपके कौन है आपको नहीं पता, ऑब्वियसली वो हिडन है ना, आपको कैसे पता होंगे। तो फिर वही बात कि किसी पर भी अंधविश्वास ना करें, अति विश्वास भी आप किसी पर ना करें, किसी पराए व्यक्ति पर अति विश्वास नहीं आपको करना चाहिए। फिजूल खर्च हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, फिजूल में पैसा कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए, पैसा कहीं नहीं फंसाना चाहिए, अदरवाइज वो लॉस में जा सकता है।
स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। कहीं ना कहीं सीजनेबल जो प्रॉब्लम होती है, सीजनेबल बीमारी, जैसे गर्मी का समय चल रहा है, लू लग जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, या फिर लंबी बीमारी यदि आपको कोई है, डायबिटीज या थायराइड या हाइपरटेंशन, इस तरह की, तो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए इस समय के लिए। मकर राशि के जातकों की बात करें तो कहीं ना कहीं पेट आपका खराब हो सकता है, मूत्र संबंधी जो रोग हैं वो भी आपको यहाँ पर हो सकते हैं, स्टमक का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। चिंता तनाव की स्थितियाँ ज़्यादा निर्मित हो सकती हैं, तो इसका भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट जो है उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। देखिए माइंड हो सकता है उतना शार्प आपका काम ना करें, चिंता ना करें, चिंता ना जताएं, मेडिटेशन करने का प्रयास करें और इस समय को निकल जाने की प्रतीक्षा करें। मकर राशि के बाद कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो कहीं ना कहीं नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं, धन में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, साथ ही साथ आपके शारीरिक स्वास्थ्य, खुद के शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन माता या माता संबंधी जो स्त्री हैं उनके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान आपको यहाँ पर ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत में वो आ सकती हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बस शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं माता या माता संबंधी माता समान स्त्री का कुछ आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज ओवरऑल आपके पर्सनल नौकरी पेशा या फिर बिजनेस या धन या प्रतिष्ठा या स्टूडेंट आप हैं तो आपके लिए समय जो है वो अच्छा है। मीन राशि के जातकों की फाइनली यदि हम बात करें तो आपकी भागा दौड़ी यहाँ पर इस समय के लिए ज्यादा बनेगी, कार्य की अधिकता आपकी ज्यादा बनेगी, लेकिन फिर वही बात कि ठीक है भागा दौड़ी ज्यादा बन रही है, कार्य की अधिकता ज्यादा बन रही है, लेकिन रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे। अभी रिटर्न्स मैं ये नहीं कहूँगा कि कम मिलेंगे, रिटर्न्स आपको बराबर मिलेंगे, ये समय आपसे मेहनत ज़्यादा लेगा, यदि आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपको बदले में मिलेगा। देखिए कई बार ऐसा होता है आप ज़्यादा देते हैं लेकिन बदले में आपको उतना मिल नहीं पाता है, ये समय है ज़्यादा लेगा भी ज़्यादा देगा भी, तो ये समय अच्छा है, ये सामान्य समय है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत शानदार बहुत अच्छा होने वाला है, स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा होने वाला है, मानसिक दृष्टिकोण से वही बात है, प्रेशर ज़्यादा महसूस हो सकता है क्योंकि भाग दौड़ और कार्य की अधिकता ज़्यादा है इस वजह से, लेकिन अच्छी बात यह है कि काम तो है ना, कई लोगों के पास तो काम भी नहीं होता, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए, मेहनत आपको ज़्यादा करनी चाहिए ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों की, कि इनके लिए जो समय है, जो ये जो सूर्यदेव का राशि परिवर्तन है, सूर्यदेव का अपनी उच्च राशि से अपनी शत्रु राशि या फिर मेष राशि से वृषभ राशि में जाना है, ये जाने की जो घटना है ये कैसा रूप लेने वाली है, कैसा प्रभाव डालने वाली है, कहाँ सावधानियाँ बरतने के संकेत लेकर के आई है, कहाँ पर सौगातें लेकर के आई है, ओवरऑल इस बारे में हमने चर्चा की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों आपने वीडियो देखा पर बहुत बहुत धन्यवाद, आने वाले वीडियोस में आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा, नमस्कार।